नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 News। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर रविवार को नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने रविवार की शाम का ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तथा बिहार के विकास में भी पूरा सहयोग मिलेगा। इधर डिप्टी सीएम और बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश और बिहार के विकास की गति तेज होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति भवन परिसर में मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए। नीतीश कुमार पहले से ही दिल्ली में पहुँच गए। उन्होंने अपनी पार्टी जेडीयू के संसदीय बोर्ड की बैठक की और अन्य पार्टी नेताओं से मुलाकात की। इस बार जेडीयू के कोटे से दो मंत्री बनाए गए हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और राज्यसभा सांसद रामनाथ चौधरी को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। मतगणना के अगले दिन 5 जून को मुख्यमंत्री पटना से दिल्ली गए थे। इसके बाद से वे लगातार दिल्ली में ही थे। 7 जून को उन्होंने जेडीयू संसदीय दल की बैठक की थी। एनडीए की बैठक में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली से पटना लौटेंगे। मुख्यमंत्री 6 दिवसीय यात्रा से पटना लौट रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विकसित भारत के संकट के साथ लगातार तीसरी बार पीएम बनने के लिए नरेंद्र मोदी व मंत्रिमंडल में शामिल सभी सदस्यों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि तमाम तिगड़म करने के बावजूद विपक्षी गठबंधन नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोकने में पूरी तरह विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में न केवल विकास को तेज गति मिलेगी बल्कि देश हित में बड़े और कड़े फैसले भी लिए जाएंगे। विपक्ष के तमाम अफवाहों और प्रपंचों के बावजूद भी एनडीए एकजुट है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी, वहीं सम्राट चौधरी ने भी पीएम मोदी को बधाई दी और सभी सदस्यों को भी बधाई दी। इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है आप लोगों का, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN।